गाइज, अगर एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसके हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर होगी ही। ऐसे ही एक कंपनी है रॉकस्टार और ऐसे ही उसके प्रोडक्ट्स है GTA सीरीज के गेम्स, जिन्हें हम बचपन से खेलते आ रहे हैं और जिनके साथ एक अलग सा अटैचमेंट बन गया है। अब आप बोलोगे कि भाई GTA के गेम में सिमिलर चीज़ें क्या है? GTA गेम्स के कैरेक्टर अलग है, GTA गेम्स की स्टोरी भी अलग है, GTA गेम्स की टाइमलाइन भी अलग है, तो भाई सिमिलर क्या है? है गाइस, सिमिलर चीज़ें हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सिमिलर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको सिर्फ सुनो मत, करो भी। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर वो सब्सक्राइब बटन दबाओ और फिर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। नहीं 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 गाइस, ये ट्रेन के साइड मिशंस नहीं है, ये ऐसे मिशंस है जहाँ पर मिशन के दौरान हमें ट्रेन का इस्तेमाल करना होता है या तो फिर उन्हें ठोकना या ब्लास्ट करना होता है। GTA 3 में ट्रेन से रिलेटेड कोई मिशन नहीं है, GTA Vice City में तो ट्रेन ही नहीं है। तो ये सिलसिला शुरू होता है GTA San Andreas से, जहाँ पर हमें तीन ट्रेन से रिलेटेड मिशंस देखने को मिलते हैं, कैटलिस्ट, रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स और स्नेल ट्रेल। वही GTA 4 में भी हमें ट्रेन से रिलेटेड मिशन देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है यूरुटो रिकान कनेक्शन, और ये मिशन GTA San Andreas के स्नेल ट्रेल मिशन जैसा ही है। और GTA 5 का डीरेल्ड मिशन भी ट्रेन से रिलेटेड मिशन ही है। तो या गाइस, ट्रेन से रिलेटेड मिशंस GTA सीरीज में अब कॉमन हो गए हैं। बाकी फिर लेट्स सी यही चीज GTA 6 में कंटिन्यू होती है या नहीं। भाई अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, GTA सीरीज के पोस्टर कैसे सेम हो सकते हैं यार? है भाई, इसीलिए तो मैंने मेंशन किया है। और पोस्टर सेम नहीं है, पोस्टर का टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेम है। GTA सीरीज के हर एक पोस्टर को देख लो, आपको उसके टॉप लेफ्ट में जो इमेज मिलेगा ना, वो कोई भी एंगल से खींचा हुआ हेलीकॉप्टर का ही इमेज होगा। आपने भी नोटिस नहीं किया होगा ना इतने सालों में, यार मेरे को भी रिसेंटली पता चला। अब दोस्तों, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में वो लोग आते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को नए सिटी में एस्टेब्लिश होने के लिए और थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन दिलाने के लिए मदद करते हैं। अब ये चीज़ GTA के हर गेम में, या यूँ कहूँ GTA Vice City से तो सेम ही चलती आ रही है। GTA Vice City में टॉमी को नए सिटी में एस्टेब्लिश होने के लिए और नए नए कैरेक्टर से मिलवाने के लिए केन रोजनबर्ग नाम का आदमी रिस्पॉन्सिबल था। तो वही GTA San Andreas में CJ के पास राइडर, स्वीट और बिग स्मोक थे, जो CJ को ग्रो स्ट्रीट में एस्टेब्लिश होने के लिए, रिकॉग्निशन देने के लिए और नए नए कैरेक्टर से मिलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बात करें GTA 4 की, तो GTA 4 में हमारे मेन कैरेक्टर निको का कजिन ही सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करता है और उसका नाम होता है रोमन, जिसका लिबर्टी सिटी में टैक्सी का बिजनेस होता है। और फिर GTA 5 में लमार, जो हमारे मेन कैरेक्टर फ्रैंकलिन का कजिन होता है, वो उसके लिए सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। अब देखते हैं दोस्तों, GTA 6 में यही चीज़ कंटिन्यू होती है या नहीं। दोस्तों ये चीज़ ना GTA 3 से लेके GTA 5 तक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगी। GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4 और GTA 5, इन पांचों गेम्स में कहीं ना कहीं आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और गेम खत्म होते होते वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा भी नहीं होता, हर टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन ही होती है। अब इसके पीछे का रीज़न रॉकस्टार ने कभी अपने किसी स्टेटमेंट में बताया ही नहीं है। स्ट्रेंज है ना? दोस्तों एक GTA के गेम के लिए जितनी इम्पोर्टेंट स्टोरी होती है ना, उतनी इम्पोर्टेंट कार्स और अदर व्हीकल्स भी होते हैं। GTA के गेम्स में बहुत सारे कार्स है जो रॉकस्टार ने अपने अपने स्टोरी लाइन के हिसाब से डिज़ाइन की है, लेकिन कुछ कार के डिज़ाइन रॉकस्टार ने GTA 3 से लेकर GTA 5 तक कंटिन्यू रखे हैं। बांशी, चीता, इन्फर्नस, मेसा, ब्लिस्टा कॉम्पैक्ट, कॉमेट, फिनिक्स, लैंड स्टॉकर, PCG 600 और ऐसे ही कुछ व्हीकल्स रॉकस्टार ने अभी तक कंटिन्यू रखे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, GTA 4 के व्हीकल डिज़ाइन और GTA 5 के व्हीकल डिज़ाइन दोनों के दोनों सेम है। ऐसा लगता है रॉकस्टार ने GTA 4 के व्हीकल डिज़ाइन वाली फाइल को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया GTA 5 में। बिट्रेल यानी कि धोखा। दोस्तों GTA सीरीज की स्टोरी अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए जानी जाती है और इसी ट्विस्ट एंड टर्न्स को फ्यूल करता है धोखा। GTA 3 में हमारे मेन कैरेक्टर क्लॉड को स्टार्टिंग में ही अपने गर्लफ्रेंड से धोखा मिलता है, जहां पर वो रॉबरी होने के बाद क्लॉड को पुलिस के हाथों पकड़वाकर खुद फरार हो जाती है। सेम बिट्रेल वाली चीज़ GTA Vice City में भी है, जहां टॉमी का सबसे ट्रस्टवर्दी दोस्त लांस उसे धोखा देता है। बाकी GTA San Andreas का तो हम सबको मालूम ही है, जहां पर लास्ट में हमें बिग स्मोक को मारना होता है क्योंकि उसने CJ और बाकी ग्रो स्ट्रीट वालों को धोखा दिया होता है। अगर बात की जाए GTA 4 की, तो GTA 4 में हमारे मेन कैरेक्टर निको की जो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो गवर्नमेंट एजेंट निकलती है, जो गवर्नमेंट को निको के हर एक प्लान के बारे में बताती है, जिससे गवर्नमेंट निको के हर एक हरकतों पर कड़ी नज़र रखती है।
अब GTA 5 में चीजें थोड़े ड्रामेटाइजिंग है। अब माइकल, ट्रेवर और ब्रैड इन तीनों ने एक शहर में बैंक रॉबरी करने का प्लान बनाया होता है। ये चीज FIB वालों को पता लगती है और वो माइकल को अरेस्ट करते हैं। अब उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद वो लोग माइकल को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर कि भाई माइकल को ऑन पेपर डेड घोषित किया जाएगा, उसकी जगह किसी सब्सिड्यूट की लाश दफनाई जाएगी और फिर माइकल को अपनी फैमिली के साथ लॉस एंजेलिस भेज दिया जाएगा। माइकल इसके लिए अग्री करता है और ये चीज ट्रेवर को भी पता होती है, लेकिन ट्रेवर को ये नहीं पता होता वो सब्सटीट्यूट की लाश होती किसकी है। ट्रेवर के लाख पूछने के बाद माइकल उसको कभी बताता नहीं है कि वो लाश किसकी है। तो इसीलिए GTA 5 के मिशन बरिंग द हैच में ट्रेवर डिसाइड करता है कि वो खुद जाके देखेगा। आपको पता है कि वो सब्सटीट्यूट वाली लाश किसकी होती है? मैंने आपको बताया था ना कि माइकल, ट्रेवर और ब्रैड ये तीनों मिलकर एक बैंक रॉबरी करने का सोचते हैं, तो वो जो सब्सटीट्यूट वाली लाश होती है ना वो ब्रैड की होती है। और यहाँ पर ट्रेवर को अपने फ्रेंड माइकल से धोखा मिलता है। तो चाहे GTA 3 हो या GTA 5 हो, धोखा हर एक GTA गेम में कॉमन है और इसी रीजन से GTA की स्टोरी समझने में मजा आता है। तो दोस्तों यही थी कुछ चीजें जो रॉकस्टार ने हर एक GTA गेम में कॉमन रखी है। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है GTA 6 में इनमें से कौन सी चीजें कॉमन रहेंगी। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते बस वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जाना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मचाते रहो यार।